Hello friends, welcome to Rising Scholars tutorial. Today's lecture is on based on endothermic and exothermic process and reaction. Okay, सबसे पहले हमें समझना है exothermic and endothermic होता क्या है. Okay, exothermic का means होता है absorption, endo means absorption within. Okay, अगर कोई चीज अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वैसे चीज को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं. और एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसे बोलते हैं जो क्या काम करता है, रिलीज करता है. अगर कोई बॉडी अपने अंदर से हीट बाहर रिलीज कर रहा है तो वैसे चीजों को सराउंडिंग में, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बोलते हैं. ओके, क्योंकि हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, हमारा जो रिएक्शन है वो बेस्ड ऑन किसके ऊपर रहेगा, वेरियस प्रोसेस एंड रिएक्शन के ऊपर बेस्ड रहेगा. प्रोसेस और रिएक्शन जो कर रहे हैं हम लोग, वो तो या तो फिर उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर हीट रिलीज होगा, यही होगा ना. तो वो सब वही दोनों चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हीट फ्रॉम द आउटसाइड इट्स अब्सॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस. कोई भी फिजिकल जो चेंजेस होता रहता है, ओके, तो क्या काम करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है. हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब. ओके, जब कोई अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक. एग्जांपल की तरफ से क्या दिया गया है, मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस क्या होता है, अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है. ओके, हीट अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो आइस क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. और गर्म जब हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, अपने आप मेल्ट हो जाएगा. अगर आइस को आप गर्म करना चाहते हो, मतलब मेल्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या काम करोगे, उसे सराउंडिंग टेम्परेचर में रख दोगे. क्योंकि आपको पता है आइस का टेम्परेचर क्या है, लेस है कंपेयर टू सराउंडिंग जिसके अंदर आप रह रहे हो. आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है. और रूम टेम्परेचर आपको पता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 37 बोला जाता है. 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, हमारा रूम टेम्परेचर है. तो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आइस खुद चाहेगा कि मैं क्या हो जाऊं, मेरा भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए. इसके लिए वो क्या करने लगता है, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है. जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. या फिर आप क्या कम कर सकते हो, हीटिंग प्रोसेस कर सकते हो. हीटिंग करेंगे तो भी इसी तरह से होगा. ओके, पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए डिसॉल्विंग ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, व्हाइटिश कलर का पाउडर होता है. अगर उसे क्या काम करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो डिसॉल्व तो हो जाएगा लेकिन वो क्या काम करेगा, सराउंडिंग में. ओके, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस था, क्या काम कर रहा था, मेल्टिंग करते समय, मेल्टिंग करते क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंडो मींस अंदर लेता है, तो सराउंडिंग से क्या काम करेगा, पोटेशियम एनर्जी अपने अंदर ले लेगा और जिसके इससे मेल्ट होके क्या हो जाएगा, वाटर में घुल जाएगा. ओके, तो ये सभी के सभी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है. इसी तरीके से एक्सोथर्मिक क्या रहता है, बिल्कुल अदर हैंड है, इसका मींस अपोजिट है. अपोजिट हैंड मतलब अगर कोई फिजिकल चेंज होता रहे उस समय पे वो हीट क्या काम कर रहे, अपने इनसाइड. देखो ये हीट फ्रॉम द आउटसाइड इज अब्सॉर्ब करता है और इसमें क्या, ऑन द अदर हैंड हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग द सम फिजिकल चेंजेस. जब कोई फिजिकल चेंजेस होता रहता है, अपने अंदर से हीट वो बाहर निकाल देता है, वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक में लेते हैं. वैसे जैसे कि मैंने बोला था इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस था, तो आइस मेल्ट होकर किसमें बनेगा, वाटर. और वाटर को में से अगर आप एनर्जी निकाल देंगे तो वापस से फिर से क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा. तो यही आपका एग्जाम्पल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर. वाटर से आइस बनाने को हम लोग किसी के अंदर इंक्लूड करते हैं, एक्सोथर्मिक. वाटर एक सिंपल एग्जाम्पल है जिसकी वजह से आप लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इजीली समझ सकते हैं. इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वाटर की तरह ये भी बिहेव ऐसा ही करेगा कि क्या काम करेगा, ये हीट सराउंडिंग में निकालेगा. एक्सो मीन्स एमिट करेगा आउटसाइड द सराउंडिंग. सराउंडिंग में जब ये हो जाता है तो हीट क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा. हीट इज लिबरेटेड हो जाएगा. अब इसी तरीके से अगर क्या काम कीजिए वाटर के अंदर, ओके, आप क्या काम कीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड आपको पता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इसके प्रीवियस की प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या है. कॉन्सेंट्रेटेड उसमें होता है जिसके अंदर क्या रहे, उसका परसेंटेज, एसिडिक परसेंटेज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. उसके अंदर डिजॉल्व वाटर क्या है,
लेस रहता है, वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। डायल्यूट उसे बोलते हैं जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा रहता है कंपेयर टू एसिड के कंपेरिजन में। ओके, तो ये आपका डायल्यूट कॉन्सेंट्रेट, अगर डायल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड अगर वाटर में डालेंगे तो डायरेक्ट एसिड आपको पता है कितना गर्म होता है, जैसे ही उसके अंदर फटाक से अगर डालेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए जब भी हमें बोला जाता है ऐड करने के लिए तो हम लोग क्या काम करते हैं, बीकर, जैसे कि हमारा अगर टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, तो टेस्ट ट्यूब के हम लोग क्या काम करते हैं, मार्जिन से। टीचर जब आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो भी यही बोलेंगे कि आपको क्या काम करें, ड्रॉप वाइज आपको क्या काम करना है, थोड़ा थोड़ा एसिड ही, HCl रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड को, तो स्लो स्लो आप डालेंगे, तब टिप से कॉर्नर से होते हुए क्या होगा, वाटर के अंदर मिक्स होगा। ओके, फिर भी अगर उसके अंदर देखेंगे तो आपको क्या बबल्स दिखते हुए, मतलब वहां पे डाइट लिब्रेट हुए धुआं की तरह, ऐसे धुआं की तरह आपको दिखाई देगा। ओके, क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है जब वाटर के साथ एसिड क्या काम कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। यही चीज आपको मैं आपको बताना चाहता था, लिब्रेशन जब हीट एमिट किया जाता है आउटसाइड पे, तब वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं। देयरफॉर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज एट अ टाइम। ठीक है, तो आप जैसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो उसके अंदर से हीट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, इस टाइम पे थोड़ा सा रिलीज होगा, थोड़ा सेकंड बाद और रिलीज होगा, स्लो स्लो रिलीज होते जाएगा, तो आपको उसकी वजह से आपके ऊपर उसके ड्रॉप नहीं आएंगे आपके माउथ पे, तो जिसके वजह से आपको जलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या प्रिकॉशंस के साथ अंडर टीचर के, टीचर जैसा एक्सप्लेन करता है उसके बेसिस पे हमें क्या काम करना रहता है, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना रहता है। ओके, अभी इसमें क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन दिया है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए क्या काम किया गया, टू प्लास्टिक बॉटल्स लिया है, मेजरिंग सिलेंडर लिया है, थर्मामीटर लिया है। ओके, मेजरिंग सिलेंडर क्यों यूज किया है, मेजरिंग सिलेंडर इसलिए यूज किया है कि आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इसके लिए अलग कर रहे हो, इसके लिए अलग कर रहे हो। मेजरिंग सिलेंडर से आपको ये हो जाएगा कि दोनों इक्वल अमाउंट का एडिशन किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हैं। और टेम्परेचर थर्मामीटर क्यों यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, हीट रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, तो उससे पता चल जाएगा ना कि टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है या फिर इंक्रीज हो गया है, और इसके अंदर केमिकल कौन से यूज होंगे, पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, ये सभी और भी चाहिए तो आप प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या काम किया, यही तीन चीजों को यूज किया गया है। ओके, और अगर आप बोला जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाए तो ये क्या है, एक करोजिव, बीइंग अ करोजिव, करोजिव मींस जला देने वाला, एक एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ओके, ये करोजिव है। ओके, तो ये करोजिव है, मतलब इससे आप अपने आप को प्रिवेंट कीजिए, टीचर के गाइडेंस में ही आपको एक काम करना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। आप क्या फिर इसमें क्या है, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में 100 ml का वाटर आपको क्या काम करना है, दोनों प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर लेना है। जब दोनों प्लास्टिक के अंदर आप इस दोनों को लेने के बाद इसे क्या काम करेंगे, प्लास्टिक बीइंग इंसुलेटेड फ्रॉम द हीट। ओके, इसे हम लोग क्या करना है, इंसुलेटेड कर देना है, किससे, हीट से। क्यों इंसुलेट कर रहे हैं हम लोग, डिसिपेट ना हो जाए, क्या डिसिपेट ना हो जाए, हीट डिसिपेट ना हो जाए। ओके, मींस अब बोलेंगे सर इंसुलेशन क्या होता है, जैसे कि थर्मा आप क्या काम करते हैं, अगर बॉटल लेते हैं जिसके अंदर क्या रहता है कि इंसुलेटेड रहता है आपका, कुछ बॉटल्स ऐसे रहता है कि मतलब अगर कॉफी गर्म रख देंगे तो कॉफी गर्म का गर्म रहेगा। ठीक है, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड बोलते हैं, मीन्स हीट अंदर से बाहर नहीं जा सकता, ना ही बाहर से अंदर आ सकता है। ओके, तो ऐसे चीजों को, सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड। आपका जैसे कि आपको पता है इसका, फ्रिज का पता है, ये भी क्या है, ये इंसुलेटेड है। इसी तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, आपको ये भी पता है, वाटर बॉटल जो होता है इंसुलेटेड टाइप के भी मिलते हैं, ऐसे भी आपको खाने जिसमें खाना रखा जाता है, जिसके अंदर आप खाना में रख देंगे, खाना मतलब फूड्स अगर रख देंगे तो आपका क्या रहेगा, वो जल्दी कूल नहीं होगा, तो वैसे चीजें इंसुलेटेड रहते हैं। ओके, जिसकी वजह से डिसिपेट नहीं होता, डिसिपेट मींस ट्रांसफर नहीं होता हीट। ओके, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसके बाद दोनों में ये सब रख देंगे तो नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बॉटल। आपको क्या काम करना है, जब वाटर उसके अंदर डाल देंगे दोनों बॉटल के अंदर, तो दोनों का आपको रीडिंग लेना है कि दोनों का टेम्परेचर कितना है। ओके, तो उसमें क्या काम करना है, उसके बाद 5 ml पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट अगर आप उसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, नोट द टेम्परेचर इन द सॉल्यूशन,
और इसी तरीके से जैसे एक बॉटल में क्या काम किया, पोटेशियम नाइट्रेट डाला गया, दूसरे बॉटल में क्या काम करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। जैसा कि मैंने बोला करोजिव सब्सटेंस है, सॉरी करोजिव सब्सटेंस है मींस ये एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। तो करोजिव सब्सटेंस है ये, तो इसके अंदर ये चेक करना है कि दोनों के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस क्या आ रहा है, हीट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले दोनों में तो वाटर दिया गया था 100 ग्राम और दोनों में 5 ग्राम का एक में पोटेशियम नाइट्रेट डाला गया, दूसरे में क्या डाला गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया, और उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट बॉटल में ये नोट डाउन किया गया कि देखिए इन द फर्स्ट बॉटल द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग पोटेशियम नाइट्रेट टुक प्लेस व्हाइल द सेकेंड में क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या काम किया, डिसॉल्व उसके अंदर डिसॉल्व होने का काम किया, मतलब पहले में पोटेशियम नाइट्रेट, सेकेंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बारे में क्या रीडिंग क्या हमें मिला है। तो देखिए जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया था सबसे पहले वाले में, तो सराउंडिंग से इसने क्या काम किया, फ्रॉम द सराउंडिंग इज अब्सॉर्ब, सराउंडिंग से उसने हीट अब्सॉर्ब कर लिया। अब बताइए सराउंडिंग पोटेशियम नाइट्रेट जब पानी के अंदर डाला है तो पोटेशियम के नाइट्रेट के सराउंडिंग में है क्या, इस समय वाटर है, तो वाटर से क्या काम करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट अब्सॉर्ब कर लेगा। जब अब्सॉर्ब कर लेगा पोटेशियम नाइट्रेट तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। जब वाटर का टेम्परेचर आपको रिड्यूस मिलेगा थर्मामीटर से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है, लेस है। सॉल्यूशन आपको जो मिलेगा उसका टेम्परेचर क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। टेम्परेचर जब वाटर का सॉल्यूशन आपको जो वाटर सॉल्यूशन बना है उसका टेम्परेचर अगर लेस है तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट ने हीट अब्सॉर्ब किया है। जब अब्सॉर्ब किया है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, मीन्स अब्सॉर्प्शन किया हीट का। इसी तरीके से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला गया तो वो क्या काम किया, हीट रिलीज किया सराउंडिंग में, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया, और इसी की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि हीट वाटर के अंदर रिलीज हो रहा है। अभी ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को आपको सिंपली ये सब वर्ड्स में आपको अगर दिया जाएगा ना तो समझने के लिए सिंपली आपको रिएक्शन देखने से, आप इतना स्टेटमेंट पढ़ने से अच्छा तो आप अगर इसको रिएक्शन देखेंगे तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट के साथ जब उसे हीट दिया गया तो क्या काम किया, अपने आप ब्रेक हो गया। मीन्स जब हीट दिया जाएगा तो क्या काम करेगा, सराउंडिंग में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम है, जब उसे हीटिंग दोगे तो हीट क्या काम करेगा, अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा। उसने अब्सॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होके दो कंपाउंड में फॉर्म हो गया, किसके, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। आपको ये पता रहना चाहिए कि जब एनर्जी आपको कोई बॉन्ड जब बनता है तो बॉन्ड के अंदर क्या रहता है, एनर्जी स्टोर्ड रहता है। आप बॉन्ड बनाएंगे या ब्रेक करेंगे तो उसके लिए क्या रहता है, एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है। अगर दो केमिकल रिएक्ट किया जा रहा है तो उसके अंदर से हीट क्या हो गया, रिलीज हो गया। देखिए थर्ड, अब हीट जब इसने कैल्शियम कार्बोनेट अब्सॉर्ब किया तो एक किसके अंदर आ गया, एंडोथर्मिक हीट, क्योंकि अब्सॉर्ब किया। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट साइड है। इसी तरह से इसका देखिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब रिएक्ट किया गया, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या काम किया था, हीट को एब्जॉर्ब किया था। जब इसको वाटर के साथ जब डिसॉल्व किया तो उसके साथ क्या हो गया, उसका टेम्परेचर वाटर ने कम कर दिया। जब वाटर ने उसको कूल डाउन कर रहा था तो उसके वजह से उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, तो वाटर में क्या हो गया, उसका हीट, कैल्शियम ऑक्साइड का हीट मतलब सराउंडिंग में चला गया। जब वो सराउंडिंग में चला गया, आउटसाइड चला गया, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अभी हम लोग क्या इसके बारे में, इसके बाद क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, ये हमारा क्या है, आज का नेक्स्ट टॉपिक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रेट मींस होता है टाइम, केमिकल रिएक्शन में टाइम का क्या इफेक्ट होता है। मींस कोई रिएक्शन आपको पता है कि 5 मिनट में हो जाएगा, कुछ सेकंड में हो जाता है, कुछ माइक्रो सेकंड लगता है, किसी में 5 घंटे लग सकते हैं, कोई रिएक्शन होने में 10 घंटे, 1 साल लग सकता है, कुछ कुछ रिएक्शन होने में बहुत टाइम लगता है। फटाफट हो नहीं सकता। जैसे कि देखिए आप पहला एग्जांपल देंगे, सारे के सारे एग्जांपल है, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग और इग्निशन।
ठीक है, जब बर्निंग और इग्निशन होने में मतलब कुकिंग गैस जब रहता है मतलब पेट्रोल डीजल को जलाने में देखिए क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगता है, जैसे आग उसके पास जाता है तुरंत तो वो जलने लगता है। ओके, आयरन आर्टिकल्स अंडरगो रस्टिंग, मतलब अगर कोई लोहे का है सामान अगर आप इन्वायरमेंट में रख दें तो जंग खाने लगता है। इतना जल्दी है क्या, आज रखा कि अभी 2 मिनट या 1 सेकंड के अंदर जंग खाना स्टार्ट कर देगा? नहीं, उसके जंग खाने में बहुत टाइम लगता है। अगर न्यू है बहुत टाइम लगेगा, अगर ओल्ड है फिर भी स्लो स्लो ही जंग इंक्रीज होता है ना, रस्टिंग उसका स्लो स्लो होता है, फास्ट होता नहीं है। इरोजन ऑफ रॉक्स टेक प्लेस टू फॉर्म अ सॉइल, मींस जब पत्थर का जो रहता है मतलब पहाड़ वहाड़ रहते हैं वो सभी टूटने में, उसको क्या टूट के छोटे छोटे टुकड़े होने में उसे क्या लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। ओके, अल्कोहल इज फॉर्म बाय ऑन मिक्सिंग द ईस्ट इन ग्लूकोज सॉल्यूशन अंडर गो प्रॉपर कंडीशन। ओके, प्रॉपर कंडीशन में अगर ग्लूकोज के अंदर आप ईस्ट डाल देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि शराब एक दिन में बन जाता है, नहीं, शराब अल्कोहल बनने में भी 2 से 3 दिन लगता है या हफ्ते भी लगते हैं। ओके, तो ये सभी ऐसे बहुत सारे आपको दिया है, तो ये सभी चीजें किसके बारे में बताया जा रहा है, टाइम के बेसिस पे बताया जा रहा है, कुछ रिएक्शन क्या होता है जल्दी हो जाता है, कुछ क्या होता है टाइम रिएक्शन होता है। ओके, तो टाइम बेसिस पे भी रिएक्शन क्या होता है इफेक्ट करता है। इसी तरह से टाइम के ऊपर हो गया, नेचर हो गया, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं उनके ऊपर अफेक्ट करता है। ओके, तो उसके लिए कौन सी चीजें क्या काम, कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से रिएक्शन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब डिले टाइम होना मतलब लेट होने में क्यों होता है, मीन्स कि वो 5 मिनट के बजाय 10 मिनट में क्यों हो रहा है, वो 1 घंटे में क्यों हो रहा है रिएक्शन, उसका क्यों, वो वजह क्या है, किसके वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि टाइम को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने में इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट अगर बात किया जाए जैसे कि मेटल अल्मोनियम, आपको पता है मेटल अल्मोनियम यूज किया जाए या जिंक यूज किया जाए, जिंक डस्ट, ये दोनों के दोनों क्या है, अल्मोनियम है। ओके, देखिए क्या है, ऑन रिएक्टिंग बोथ अल्मोनियम एंड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HCl से अगर रिएक्ट किया जाए H2 गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, मीन्स निकल जाएगा, किसके किसके इसको रिएक्ट करने पे, अगर हम लोग ऑन रिएक्टिंग बोथ एल्युमिनियम और जिंक डस्ट, हाइड्रोक्लोरिक को आप चाहिए तो एल्युमिनियम से रिएक्ट कीजिए या फिर क्या काम कीजिए, तो देखिए मैं आपको क्या काम कर रहा हूँ बोर्ड पे यही शो करता हूँ, अगर आप जिंक ZN को रिएक्ट कर रहे हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बोला जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे अगर रिएक्ट किया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज होता है, ZnCl, ये आपका क्या होता है, ZnCl आपका क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। ये अगर जिंक से करते हैं, अगर ये अल्मोनियम से करते हैं, अल्मोनियम भी अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, अल्मोनियम क्लोराइड, AlCl हो जाएगा अल्मोनियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ओके, ये गैस जो कि क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, मीन्स बाहर निकल जाएगा, जो कि ये गैस बन रहा है। ओके, तो ये दोनों क्या है, रिएक्शन से यही चीज बताया जा रहा है, जब रिएक्ट किया जाएगा जिंक या अल्मोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या काम करेगा, इस तरीके से हाइड्रोजन गैस क्या जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। ओके, एंड वाटर सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ द मेटल आर फॉर्म्ड। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्यूशन जो रहेगा, मींस वाटर सॉल्यूशन सॉल्ट आर फॉर्म्ड, आपको पता है ये क्या है, बेस है, ये एसिड, जब भी एसिड और बेस को हम लोग रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है, न्यूट्रल मींस आपका एक सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटरी सब्सटेंस ये बनेगा, ZnCl मींस वाटर के अंदर जैसे नमक रहता है ना, नमक कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, एसिड और बेस को अगर रिएक्ट करेंगे तो आपका नमक सॉल्ट बनता है प्लस वाटर भी उसके अंदर रहता है जो कि डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट सीधा नमक मिलेगा सूखा। ओके, नहीं ऐसा नहीं होता, वाटर में डिजॉल्व लिक्विड फॉर्म में रहेगा प्लस हाइड्रोजन जो रहेगा वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ओके, ये सभी चीजें, हाउएवर द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल टेक प्लेस फास्टर देन द कंपैरिजन टू जिंक मेटल, यही चीज एक्सप्लेन करना चाहता था कि एल्युमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव है, मींस मेटल की खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए वो क्या काम करेगा, जल्दी रिएक्शन कंप्लीट करेगा, और आपको सॉल्ट प्लस वाटर प्लस आपको गैस जो रिलीज बन मिलता है ये आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन जिंक जो है देखिए वो क्या रहता है, लेट रिएक्टिव करता है, एल्युमिनियम से लेट रहता है, मीन्स उसका
रिएक्टिविटी, उसके रिएक्शन का प्रॉपर्टी जो रहा है एल्युमिनियम से कम है, इसके वजह से लेट उसको जिंक को ज्यादा टाइम लगता है ये सारे प्रोडक्ट बनने में। ओके, तो यही चीज क्या हो गया, ये सभी चीज आपको इसी तरह से, ये आपको क्या मेटलर्जी, मेटलर्जी आपका जो चैप्टर है वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस चैप्टर में भी मैं आपको यही सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो ये नेचर हो गया, ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, इसके बेसिस पे भी टाइम का इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तो कम टाइम लगेगा, और वही कम रिएक्टिव रहेगा तो ज्यादा टाइम लेगा उसके ऊपर। ओके, अब बोला जाए साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। मैं अगर सिंपल वर्ड में, अगर बुक से ना लेके मैं एग्जांपल की तौर पे बोलूं, तो क्या काम कीजिए, आप बड़ा सा एक मोटी सी लकड़ी ले लो, उसको अगर बर्न करने की कोशिश करो, ठीक है, तो उसको क्या रहेगा, कितना टाइम लगता है, आप नोट डाउन करो। उसी तरीके से क्या काम करो, उतने साइज का दूसरा लकड़ी ले लो, लेकिन उसको क्या काम करो, पीसेस में कट कर दो। ओके, वही लकड़ी उतना ही है, लेकिन उसका साइज क्या है, छोटे छोटे फॉर्म में हो गया अभी। अब उसको बर्न करोगे तो पीसेस जो छोटे छोटे रहते लकड़ी ना, वो जल्दी जल जाते हैं, लेकिन मोटी लकड़ी को क्या काम करना लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। ओके, क्योंकि सरफेस एरिया, उसका सरफेस का एरिया, जगह जो रहता है वो ज्यादा रहता है किसका, छोटा पार्टिकल का, और बड़े का जो रहता है उसका सरफेस एरिया क्या रहता है, कम रहता है, जिसकी वजह से उसको टाइम ज्यादा लगता है। और उसी को एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या बोला है, टू टेस्ट ट्यूब, मतलब ये टेस्ट ट्यूब अपना एग्जाम्पल, मैंने आपका अपना एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया है, उसके हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन किस में ज्यादा, टाइम की बेसिस के ऊपर पता चलता है कि उसका साइज कितना है। ओके, जैसे कि बड़े बड़े शक्कर को ले लो, पानी में डिप कर दो, या छोटे छोटे शक्कर को आप पानी में डिप कर दो, तो कौन सा पहले मिक्सअप हो जाएगा, छोटा वाला, इजीली वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन बड़ा वाले को डिसॉल्व होने में टाइम लग जाता है। उसी तरीके से ये एग्जांपल की तौर पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, टू टेस्ट ट्यूब लेना है, बर्नर लेना है, मेजरिंग सिलेंडर लेना है। ओके, और केमिकल क्या है, सागवान टाइल्स लेना है, पाउडर ऑफ सागवान टाइल्स। ओके, दो तरह के टाइल्स एक ही तरह का है, लेकिन एक क्या है, पाउडर्ड फॉर्म में है, और दूसरा क्या है, सॉरी, नॉन पाउडर्ड फॉर्म में, मतलब हार्ड है, मींस बड़े बड़े साइज के हैं, उसको क्या काम किया जा रहा है, दोनों में देखिए, उसको दोनों को, जो आपका हार्ड फॉर्म में और एक पाउडर्ड फॉर्म में है, दोनों को क्या काम है, सॉलिड फॉर्म और दोनों में साबान इन इक्वल अमाउंट के, जो वेट उसका इक्वल अमाउंट का जो था, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जा रहा है। उसके अंदर क्या ऐड किया जा रहा है, 10 ml of dilute HCl, किसके अंदर, दोनों के अंदर, जब दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है ये टाइल्स है, टाइल्स किससे बना रहता है, चूने का ही रहता है एक्चुअल में, तो चूने का जब बना है तो उसके अंदर से कैल्शियम क्या हो जाता है, निकल जाता है, मतलब कैल्शियम, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और उसकी वजह से अगर बोला जाए तो फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, इससे पता चलता है कि अगर आप इसे चेक करेंगे, जिसका साइज छोटा है वो क्या होता है, जल्दी से पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, वो जल्दी उसका रिएक्शन हो जाता है, लेकिन जिसका बड़ा साइज रहता है उसको रिएक्शन होने में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। ओके, ये आपका सेकंड हो गया। अभी हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, लेट अस कंसिडर, क्या काम किया गया है, आपने इसका केमिकल रिएक्शन में आपको बताता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया जा रहा है, उसके उन्हीं को, उसको ही क्या काम किया रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया जा रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूट का मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, जिसका पीएच 1, 2, 3 अगर ऐसा रहे तो ऐसी चीजों को हम लोग स्ट्रॉन्ग लेते हैं, अगर वही HCl आपका 5, 6, 7 पे रहे, मीन्स वाटर कंटेंट जिसके पास ज्यादा रहे, तो वैसे HCl को बोला जाए, तो उसमें क्या रहता है, वो डायल्यूट रहता है, और जिसका मतलब पीएच 1, 2, 3 रहता है, क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा एनर्जी है, तो क्या काम करता है, ज्यादा रिएक्टिव रहता है। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी इफेक्ट करता है कि आप हायर कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो या लेस कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो, डायल्यूट ले रहे हो या कॉन्सेंट्रेटेड, इसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है। तो टाइम के ऊपर असर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करता है कि वो रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। ओके, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, अगर मैं आपको टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात किया जाए, अगर आप क्या काम करो, खाना पकाते समय या डिम अगर आपका आंच जो रहता है उसको कम रखेंगे, तो आपको खाना पकने में क्या लगता है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, और वही चीज अगर फास्ट कर देंगे तो क्या होगा, खाना आपका जल्दी पक जाएगा। ओके, अगर चावल बनाना है, राइस बनाना है, कुछ भी बनाना है आपको, तो कम ज्यादा हम लोग किसके ऊपर, अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं, अगर लेकिन बहुत डिम कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, खाना पकने में टाइम ज्यादा हो जाएगा, जल्दी कर देंगे तो जल जाएगा या तो बहुत जल्दी पक जाएगा जल्दी, तो ये सभी चीजें क्या रहता है, टाइम के ऊपर ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, While studying the decomposition of reaction, you have carried out the decomposition of limestone. Limestone मतलब चूने को आपने क्या काम किया था, decomposition किया था,
कैसे किया था? चूने को अगर जब आप हीट करेंगे, जब हीट किया था आपने, क्या हो गया, लाइमस्टोन से कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। वही चीज क्या काम किया गया, लाइम वाटर में जब मिक्सअप किया तो उसमें में से आपने देखा होगा बुलबुला आपको निकलते हुए दिखाई देगा, और वो कैसा बन गया था, मिल्किश हो गया था। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म में दिया है। ओके, तो इसके बेसिस पे भी टेम्परेचर का भी आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर के ऊपर रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ता हूं और उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द सब्सटेंस, देखिए, द सब्सटेंस इन विच हुज प्रेजेंट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग अ केमिकल चेंजेस टू इट, इट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। मीन्स जिसके अगर कोई ऐसा चीज मैं उसके अंदर डाल दे रहा हूं जिसकी वजह से कोई चीज रिएक्शन होने में फास्ट हो जा रहा है, फटाक से केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है, लेकिन उसके केमिकल को फर्क नहीं कर रहा है, केमिकल जैसा बन रहा था वैसा ही बनेगा, लेकिन क्या हो गया, उसका स्पीड इंक्रीज कर दिया। मतलब ऐसा कि जो चीज 5 मिनट में होना था वो 1 सेकेंड में या 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया, वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। और कैटलिस्ट ऐसा चीज होता है जब रिएक्टेंट में, मींस इनिशियली जब यूज करते रहते हो तो उस पर प्रेजेंट रहता है, लास्ट में जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद आप क्या काम कर सकते हो, कैटलिस्ट उसमें रिमूव आउट कर सकते हो, वापिस उसे आपको कैटलिस्ट एज इट इज मिल जाएगा, उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया आज, फैक्टर इफेक्टिव हो गया। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और इस टॉपिक में जो चीज आपको समझ में नहीं आया प्लीज आप मुझे उससे पूछिए, और ये भी बता दीजिए मुझे कि मेरी क्या गलती है, मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, फास्ट हूँ कहीं पे स्लो हूँ, वो भी मुझे अगर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मुझे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अच्छा वीडियो बनाए जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू।